हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी इस वक्त हूँ मैं मुंबई हाजी अली दरगाह पे। ये हमारे सामने देख सकते हैं हाजी अली दरगाह है, जो कि मुंबई की सबसे खूबसूरत सबसे मशहूर दरगाह है, यानी शाही दरगाह भी इसे बोल सकते हैं। और इस दरगाह में हाजी शाह बुखारी की कब्र है, और उनकी कब्र के साथ में दो कब्र और हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस कब्र का मतलब घेराव किया गया है। उसको चांदी के वर्ग से पूरा उसको लपेटा गया, उसका तख्त पूरा चांदी का बना हुआ है। तो इस दरगाह में मैं लेकर के चलूँगा, पूरी की चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये दरगाह मेरे दोस्तों समुद्र से तकरीबन 85 फीट की ऊंचाई पे है, और तकरीबन 4500 वर्ग मीटर में ये पूरी दरगाह फैली हुई है। और इसके अंदर मस्जिद भी है, और प्लस इसके अंदर टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है, लेडीज अलग जेंट्स अलग, और दो हॉल इसके अंदर आपको मिलेंगे। और जो मतलब चढ़ावा जहाँ पे चढ़ाते हैं, लेडीज़ का चढ़ावा अलग रास्ता बना हुआ है, जेंट्स के लिए अलग बना हुआ है, यानी हर एक चीज़ की पूरी फैसिलिटी है। कोई टेंशन नहीं, हर मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं, जिनकी जो भी मन्नतें होती हैं यहाँ पर मांगते हैं, जो भी उनका चढ़ावा होता है यहाँ पर चढ़ाते हैं। और आज के डेट में माशाल्लाह देखिए काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है, और पानी अभी देखिए शाम को 3 बज रहे हैं, और पानी का उछाल देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एकदम है। और रोड का भी काम चल रहा है देख सकते हैं, और मैं रोड साइड पे ही बैठा हूँ। ये मेरे पीछे देखिए पूरा हाईवे का काम चल रहा है, कि वहाँ पर जाने के बाद फिर आवाज़ वाज़ कुछ समझ में आएगी नहीं, क्योंकि इतनी पब्लिक चिल्ला रही है, और जो समुद्र की लहरें जो इतनी उफान पे है, इतनी शोर और इतनी आवाज़ हो रही है। तो चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं हाजी अली दरगाह के। ये मेरे दोस्तों हाजी अली बाहर का व्यू देख सकते हैं, और ये एंट्री गेट है, और यहाँ पर ये हाजी अली देखिए रेस्टोरेंट है, होटल है, काफ़ी भीड़ भड़का, काफ़ी रश लगा हुआ है। और ये मेन गेट ये है, यहाँ से अंदर की तरफ जाया जाता है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये काफ़ी रश यार माशाल्लाह, पहले से बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हो चुका है माशाल्लाह, देख सकते हैं काफ़ी रश। और शाम का वक्त अभी नहीं है, तकरीबन 3 बज रहे हैं, फिर भी देखिए ये पूरी दुकान है जबरदस्त यार माशाल्लाह, देख सकते हैं। देख रहे पूरा एकदम सब कुछ बदल चुका है, रास्ता देख लीजिए, ये ब्रिज बन रही है, पहले ये सब नहीं थी, अभी तकरीबन आज से 1 साल पहले मैं आया था तो ये सब नहीं थी। अभी देखिए कितना चेंजिंग हो चुका है, क्योंकि ये ब्रिज यहाँ से जा रही है। और रास्ता तो ये पूरा बन चुका है, और काफ़ी आराम हो चुका है, क्योंकि अभी जो है जैसे धूप ऊप लगती थी ना, उन सब चीज़ों से आराम हो चुका है। और लाइट भी लगी हुई है, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं है, देखिए पूरी लाइट भी लगी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, देख सकते हैं काफ़ी उछाल में पानी पूरा रोड पे एकदम आ रहा है। ज़बरदस्त यार, इससे पहले मैं आया होता तो इतना पानी नहीं था मेरे भाई। जब भी आप यहाँ पे आएँ हाजी अली दरगाह पे, तो शाम को 5:30 बजे से पहले आएँ, क्योंकि ये 5:30-6 बजे के बीच में दरगाह को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये जितना भी ये रास्ता देख रहे हैं ना, इस रास्ते पे पानी पूरा आ जाता है, तो फिर आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके लिए 5:30-6 बजे के बीच में दरगाह शरीफ को बंद कर दिया जाता है, पूरा एकदम लबालब पानी भरा हुआ है, और लहरें भी काफ़ी तेज़ है यार, देखिए माशाल्लाह। वैसे ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, कितने भाई को पता होगा, कितने भाई को नहीं पता होगा, इस रास्ते पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, और शूटिंग में दिखाया गया है कि इस रास्ते पे काफ़ी भिखारी बैठे हुए होते हैं, जैसे कि संजय दत्त अदित पंचोली की एक फिल्म है आतिश, उसकी भी यहाँ पर शूटिंग हुई है।
फिजा फिल्म की भी शूटिंग हुई है, तो काफ़ी फिल्मों की इस रोड की शूटिंग हुई है और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर देखिए कोई भी भिखारी दिख नहीं रहा है। और पानी की लहरें देखिए काफ़ी तेज़ है, हालांकि शाम को अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे ये हाल है, तो सोचिए 5 बजे क्या हाल होता होगा यहाँ पर। पानी अक्सर रोड पे शाम के वक्त में आता है, लेकिन अभी फिलहाल 2 बज रहे हैं और 2 बजे ही पानी जो है पूरा एकदम रोड पे आ रहा है, यानी पानी काफ़ी उछाल पे है, काफ़ी एकदम लबालब भरा हुआ है। वरना ये सब जो है ना शाम के वक्त में ये पूरे रोड पे पानी आता है, लेकिन अभी जो है कि देखिए पहले ही है, वरना ये सब जितना भी है ना पूरा ये सब खाली रहता है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक देख सकते हैं जबरदस्त यार। देख रहे हैं काफी रश है माशाल्लाह, और लहरें काफी तेज है, ये भी नहीं कि बहुत सीलो लहरें हैं, लहरें भी काफ़ी तेज़ है, देखिए पूरे पत्थर उतर एकदम रास्ते पे सब आ जा रहे हैं, इतनी ज़ोरदार लहरें हैं देख सकते हैं। हालांकि ये बारिश का मौसम भी नहीं है, बारिश के मौसम में तो फिर तो और ज़बरदस्त लहरें होती होंगी। और ये हाजी अली दरगाह एक इबादत गाह है, लोग यहाँ पर अपनी उम्मीदों के साथ आते हैं, लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसा नहीं है, लोग यहाँ पर नहाने के लिए और मौज मस्ती के लिए आते हैं, यानी बहुत कम ही लोग यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं, बाकी लोग यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आते हैं। आप माहौल ही देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए या कोई मन्नत मांगने के लिए आए हुए हैं या इंजॉय करने के लिए आए। ये हाजी अली दरगाह का देखिए ये गेट है, क्या बोल रहे भाई देख सकते हैं, और यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई हैं और बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि हाजी अली शाह बुखारी बाबा कौन थे, कहां से आए थे। तो मेरे दोस्तों हाजी अली शाह बुखारी बाबा ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे और बहुत ही बड़े व्यापारी थे और इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए, और उन्हें ये जगह काफ़ी अच्छी लगी तो वो यहीं पर रुकने का फ़ैसला कर लिया और यहीं पर रुक गए और उनके भाई वापस चले गए थे। बाकी और आगे सब कुछ बताते हैं आप लोगों को। इधर गया भाई, चल अंदर चलते हैं, जबरदस्त यार बहुत ही आज माशाल्लाह काफ़ी रश है। और ये अंदर का नज़ारा देखिए काफ़ी, ये अंदर का देखिए काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा, जबरदस्त माशाल्लाह देख सकते हैं। और ये देखें नारियल भी लगे हुए हैं यार पेड़ पे, और जैसे ही गेट में आएंगे ना यहाँ पर देखें नोटिस बोर्ड है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरी नोटिस वीडियो पॉज करके, और सामने ही दरगाह शरीफ है ये देख सकते हैं। चलिए पूरा एक एक चीज़ का नज़ारा यहाँ पर दिखा, और ये सामने जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हाजी अली शाह बाबा बुखारी की दरगाह है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हॉल है, और ये जो झाड़ देख रहे हैं यहाँ पर एक हौद है फव्वारे का, और ये नारियल का पेड़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, और ये बाहर का व्यू है देख सकते हैं। तो अभी हम पूरा आप लोगों को दिखाते हैं और हॉल के अंदर भी चलते हैं, और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी खूबसूरत सा फव्वारा है जो कि ये रात में चालू होता है, और काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर लाइटिंग वगैरह ये सब है और झाड़ वगैरह सब देख सकते हैं, और सामने नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद भी है, और यहाँ पर छोटा सा रेस्टोरेंट है, और शौचालय देखिए आदमियों का यहाँ पर है, यानी देखिए काफ़ी खूबसूरत अंदर का जो है नज़ारा है, और यहाँ पर देखिए ड्रिंक वाटर भी लगा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक वाटर है, आप चाहें तो यहाँ पर पानी आकर के पी सकते हैं। ये देखिए, और इस दरगाह में मेरे दोस्तों सिर्फ एक ही मीनारा है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा मीनारा है, और काफ़ी बड़ा भी है और बहुत दूर से दिखता है, तो देख सकते हैं आप लोग भी काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
ये देखिए अंदर की तरफ का रास्ता है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वहाँ पर भी चलते हैं, आराम करने के लिए बना हुआ है। और अंदर बाथरूम वगैरह सब कुछ है, देखिए महिला शौचालय वगैरह सब कुछ है। और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत सा व्यू दिखता है समुद्र का, ये देखिए ज़बरदस्त है यार। यहाँ से आइए दिखाते हैं, अभी गजब जुआड़ है यार, ज़बरदस्त। देखिए ज़बरदस्त यार, बहुत तेज पानी उछाल माशाल्लाह। देख रहे हैं ना यहाँ से काफ़ी ऊपर, चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर से दिखाते हैं खूबसूरत सा नज़ारा। तो ये ऊपर का हिस्सा है, देखिए ज़बरदस्त यार माशाल्लाह, खूबसूरत सा व्यू यहाँ से। हाँ काफ़ी बड़े में है, देख सकते हैं काफ़ी बड़े में है। और ये मेरे ख्याल से नमाज के लिए है या किस लिए बना हुआ, बहर जो भी है। ये देखिए ज़बरदस्त, और अभी देखिए हम ऊपर सेकंड फ्लोर पे हैं और सेकंड फ्लोर से देखिए काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हो वाकई में बहुत ही प्यारा नज़ारा। और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं ज़्यारत करने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, देखिए हाथों में चादर फूल वगैरह सब कुछ लेकर के आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जो दरगाह शरीफ के ऊपर यानी जो मज़ार के ऊपर फूल चढ़ाते हैं उसका काम देखिए यहाँ पर हो रहा है। और ये बाजू में ये जो छोटा सा देख रहे हैं ये शॉप है, तो यहीं से लोग ख़रीदते हैं फिर वहाँ पर चढ़ाते हैं। बाकी स्टार्टिंग में जब आप आए हैं वहाँ से भी आप खरीद करके ला सकते हैं। और ये बाबा की दरगाह है देख सकते हैं, और दरगाह शरीफ की बुनियाद 1431 में डाली गई थी। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये जितना भी ये देख रहे हैं ये चांदी का पूरा वर्ग लगा हुआ है, और इसे जेंट्स काउंटर बोल सकते हैं, जो भी जिसको चढ़ावा दे चढ़ाना होता है जैसे चादर हो गया या फूल हो गया, तो यहाँ पर ये जो मुजावर देखिए खड़े हुए हैं तो इनको देते हैं, तो ये ले जा करके वहाँ पर चढ़ाते हैं, आप अपने हाथों से नहीं चढ़ा सकते। और यहाँ पर जिसको धागा वगैरह सब बांध के मन्नतें मांगनी होती है सब बांधते हैं, देख सकते हैं। बाबा की जुड़ी ज़िंदगी से एक दिलचस्प वाकया ये है कि रास्ते से बाबा गुजर रहे थे और वहाँ पर एक औरत रोड पे खड़ी होकर के रो रही थी, तो बाबा उससे पूछे कि क्या बात है। वो औरत बोली कि मैं घर पे जाऊँगी तो मेरा पति यानी मेरा शौहर मुझे मारेगा। तो बाबा ने बोला क्यों, क्या किस लिए मारेगा? तो उस औरत ने बताया कि मैं तेल लेकर के जा रही थी और तेल गिर गया है। तो बाबा बोले चलो बताओ कहाँ पर तेल गिरा है। तो वो औरत बाबा को ले करके वहाँ पर गई, फिर बाबा ने देखा कि वाकई में वहाँ पर तेल गिरा था। तो बाबा ने अपनी उंगली से ज़मीन में खड्डा कर दिया और वहाँ से तेल निकल आया, फिर वो औरत वहाँ से तेल लेकर के गई। तो बहुत ही दिलचस्प बात है मेरे दोस्तों। और ये दरगाह शरीफ के पीछे साइड का हिस्सा है देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।